एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वन शोल्डर टॉप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लेस कॉटन फैब्रिक 1.75 मीटर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें कपड़े को फोर फोल्ड में बिछा लेना है। यहाँ पर हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 16 इंचेस लिया है, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। टोटल मेरे 17 इंचेस है। शोल्डर का हाफ मैं लूँगी यहाँ पर 7 इंचेस। सेम मेजरमेंट हमें आर्म होल के लिए भी लेना है, 7 इंचेस। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल के लिए बॉक्स रेडी करना है। शोल्डर के लिए हाफ इंच डाउन लेंगे और नेक विड्थ यहाँ पर मैं 3 इंचेस लूँगी। चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट का 1/4 करेंगे, प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर 10 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट में 1/4 करेंगे, प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पर टोटल मैं 9.5 मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लूँगी। आर्म होल के लिए सेप ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर से मैं 1.5 इंच मार्क करूँगी और आर्म होल के लिए सेप ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर के लिए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैटर्न को कट कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर वन शोल्डर टॉप बना रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने कपड़े को सीधा लिया है, यानी राइट साइड में लिया है। अब हम राइट की तरफ ही इसको नेक बनाएंगे। अगर आप उल्टे कपड़े में कट कर रहे हैं तो आप इस तरफ कट करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर नेक विड्थ मार्क कर लेना है 3 इंचेस और इसी डायरेक्शन में हमें शेप ड्रॉ करनी है। अब इसको कट कर लें। नेक की कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ से भी इसको अलग कर लेते हैं। अभी हमें देखिए शोल्डर में बो बनानी है, तो उसके लिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप कट किया है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने 21 इंच लिया है। ये मेरा कपड़ा डबल फोल्ड में है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर 7 इंचेस है। हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शेप बना लेनी है। अब इसको हम कट करेंगे। देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको सेंटर से भी अलग कर लेंगे। इसमें हम बो बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके जितने भी एजेस हैं, इस तरह से हम बारीक फोल्ड कर लेंगे। हमें तीनों तरफ फोल्ड करना है और इसी तरह से दूसरे कपड़े में भी फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी फोल्डिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हमें दोनों स्ट्रिप्स को टॉप के ऊपर रखना है। देखिए, मैंने टॉप का एक पार्ट लिया है। अब इसको हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे। देखिए, एक स्ट्रिप को मैंने उल्टा रखा है, बिल्कुल सेंटर में लिया है और इसी के ऊपर हम दूसरा स्ट्रिप्स रखेंगे और इसको हमें सीधा रखना है और टॉप का दूसरा पार्ट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें इसको ओपन करना है। अब हमें नेक में बायस स्ट्रिप्स लगानी है, जिस तरह से हम नॉर्मली नेक बनाते हैं। उसके लिए हम बायस स्ट्रिप्स कट करते हैं। यहाँ पर मैंने बायस स्ट्रिप्स बना के रेडी कर लिया है और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे और पट्टी को बैक साइड में टर्न करते हुए ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम मेथड हमें आर्म होल के लिए भी करनी है, लेकिन उससे पहले हमें बॉडी की फिटिंग करनी होगी। हमें एक साइड में जिप लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पर बायस स्ट्रिप लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर नेक हमारी बन चुकी है और यहाँ पर हमने शोल्डर भी फिटिंग कर लिया है। अब हमें बॉडी की फिटिंग करनी है। एक साइड हम स्टिच करेंगे और इस तरफ हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हमने जितना भी यहाँ पर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उतना हम मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ इतना हम एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे।
यहाँ पर हम इनविजिबल जिपर का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से मैंने जिपर को उल्टा रखा है और कपड़े को सीधा रखा है। सीधी साइड में हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने नीचे से मार्क किया था, और दूसरे कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इसको भी हमें सीधी साइड में ही सिलना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल किनारे में हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब हम इसको यहाँ पर लॉक कर लेंगे और एक्स्ट्रा जिपर को भी नीचे से कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी आर्मोल बनाएंगे, उसके लिए हम इसको सीधा करेंगे और बाय स्ट्रिप लगाते हुए हम इसको बना लेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर बॉडी की भी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो जिपर भी हमारी लग चुकी है, साथ में आर्मोल भी बन चुकी है और हमारी यहाँ पर बॉडी की फिटिंग भी हो चुकी है। अब हमें नीचे घेरा बनानी है, उसके लिए हम घेरे की कटिंग करेंगे। घेरा बनाने के लिए मैंने इस तरह से बचे हुए फैब्रिक को ले लिया है और इसको मैंने डबल में लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पर 12 इंचेस है और इसकी वेट यहाँ पर 20 इंचेस है। अब सेम कपड़ा मैंने और एक लिया है। घेरा बनाने के लिए आप चाहो थोड़ा सा और भी कपड़ा ले सकते हो। सबसे पहले हमें दोनों पीसेस को बीच में से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमारी ये ज्वाइन हो चुकी है। अब हमें पैटर्न रेडी करनी है। देखिए सबसे पहले हमें सेंटर से मार्क कर लेंगे, ये सेंटर पॉइंट है, और इसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ 5 इंचेस मार्क करेंगे। और इस तरफ हम और एक मार्किंग करेंगे। एट इंचेस मार्क किया है और इस तरह से हमें एक शेप बना लेनी है। और यहाँ पर सिंगल कपड़े को कट कर लेना है। ये पैटर्न हमारा एक ही साइड में आएगा। अब हमें यहाँ पर इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। देखिए हल्का फोल्ड करना है, इस तरह से हमें पूरे कपड़े में इसकी बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे, और उसकी के साथ साथ हमें इसकी कॉर्नर एजेस को भी फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ, और उसके बाद हम फाइनली इसमें प्लेट्स लगाएंगे। देखिए हमें हल्के हल्के प्लेट्स उठानी है और यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। इतना ही प्लेट्स हमें पूरे कपड़े में लेनी है। पूरे कपड़े में हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। टॉप के ऊपर रख के देखते हैं कि इस तरह से इसकी लुक आएगी। इस तरह से ये सेंटर में आएगा और बाकी का जो कपड़ा है इस तरह से टर्न होते हुए इसके दूसरे एंड तक आएगा। अभी हम इसको स्टिच करके बताते हैं किस तरह से इसकी लुक आएगी। आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर घेरा अटैच हो चुकी है। कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमने घेरा अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जो लास्ट पॉइंट है हमारे दूसरे एंड तक आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने घेरे को भी अच्छे से फोल्ड कर लिया है। बैक साइड में भी इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर हमने शोल्डर में दूसरे साइड में स्ट्रिप्स लगा लिया है। एक साइड हमारी बो आएगी और एक साइड इस तरह से हमारी स्ट्रिप्स आएगी। अब हम फाइनली यहाँ पर बो बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसको ओपन करके बो बना लेंगे। बो बनाने के बाद हमारी ये टॉप बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। इसको आप जीन्स या जेगिंस के साथ वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही प्रिटी लुक देती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने इजी मेथड में हमने यहाँ पर ये टॉप बना के रेडी कर लिया है। अगर कोई भी बिगनर से वो भी इजीली इसको बना सकते हैं।
बो बनने के बाद इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है और बहुत ही प्रीटी लग रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर सच में ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलें, और इसी तरह से नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन सीखनी है तो आप मुझे पिक सेंड कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर और एक डिज़ाइन के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।